ट्रांसपेरेंट मनु एकेडमी के वीकली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एज यूजुअल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इससे पहले डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर चैनल पे पहली बार आप आए हो तो ये सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टेलीविजन सीरीज ओन द बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा एट द गोल्डन ग्लोब। अब ये अवार्ड अनाउंस हुआ है, काफी सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पे, बट सारे आपको याद रखने भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं होता है ना कि हर चीज को हम याद करके रखें। तो दो तीन पॉइंट्स तो आप ध्यान में रख ही लें। एक तो ये आप ध्यान में रख लें कि जो टीवी सीरीज है उसमें बेस्ट कौन सा है, तो उसमें है सक्सेशन। आपको ये देखना नहीं है सीरियल, ठीक है, आपको बस याद रखना है। दो चीजें और आपको याद रखनी है, एक तो बेस्ट मोशन पिक्चर कौन सा है, तो द पावर ऑफ डॉग्स ध्यान रखना, और इसी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। तो ये तीन पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रख लेना इस अवार्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर टू है, द गवर्नमेंट इज सेटअप टू बिकम अ सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी। तो आंसर है आपका वोडाफोन एंड आइडिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको लग रहा होगा कि इधर तो गवर्नमेंट जो है अपनी कंपनीज बेच रही है, अगेन प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्टमेंट करने चली गई, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मजबूरी बन गई। आप सभी को पता है कि काफी टाइम केस चला सरकार में और जो वोडाफोन आइडिया है इनके बीच में उधारी को लेके, बाद में सरकार केस जीत जाती है, वोडाफोन आइडिया को पैसा चुकाना होता है, कितना 16,000 करोड़ रुपीज, जो कि ये नहीं चुका पाते हैं। तो नहीं चुका पाते हैं तो उसके अगेंस्ट में इनका जो इक्विटी है उसमें 36% एग्जैक्टली मैं कहूँ तो 35.8% शेयर गवर्नमेंट को हो जाता है, जो कि मेजोरिटी शेयर है। अब आपको सेलिब्रेट नहीं करना है, अगर आप वोडाफोन आइडिया में जॉब करते होगे तो आपको खुश नहीं हो जाना है कि वाह मजा आ गया यार, आप तो गवर्नमेंट की मेजोरिटी शेयर हो गया तो ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी के नेचर में चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले ही कंफर्म कर दिया, वोडाफोन आइडिया ने भी कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट का शेयर है यहाँ पे बिल्कुल, बस इसके गवर्निंग में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, जैसे ये करते रहे हैं बिजनेस वैसे ही करते रहेंगे। बट अभी के लिए चूंकि इनका कर्जा चुकाना था, जैसे नहीं होता है भाई बैंक का कर्जा नहीं चुकाओगे तो बैंक तुम्हारा खेत लेगा, कुछ वैसा ही हाल हुआ है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच कंपनी विल रिप्लेस द वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर्ड ऑफ द आईपीएल 2022। तो यहाँ पे नाम आता है टाटा का। टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया के बहुत सारे लोगों की सिंपैथी इससे अटैच होती है जब टाटा ग्रुप का नाम आता है, क्योंकि सोशल वेलफेयर में ये बहुत काम करते हैं और जो लोग इनके कंपनी से जुड़े होते हैं उनका भी फीडबैक ऐसा ही होता है कि ये कंपनी पैसे कमाने के चक्कर में कम सोशल वेलफेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती है। और जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं उनको लगता है कि ये भी एक तरह की गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत ज़्यादा वर्डन स्ट्रेन नहीं रहता है लाइक अदर प्राइवेट कंपनी। तो अब क्या है, टाटा ने स्पॉन्सरशिप लिया है बेसिकली आईपीएल का। आपको पता है इससे पहले आईपीएल की जो ट्रॉफी आती थी ना उस पर वीवो आईपीएल लिखा रहता था, अब वहाँ पे लिखा रहेगा टाटा आईपीएल। इसके बदले में टाटा ग्रुप बेसिकली 440 करोड़ रुपीज पर ईयर आईपीएल को स्पॉन्सर्ड करेगा, मतलब पैसा देगा, उनके जो मैचेज होंगे उनके जो एक्सपेंडिचर हैं जो खिलाड़ी हैं उन सब पे खर्च करेगा। हालांकि ये आईपीएल फ्रेंचाइजी ये सब तो चलता रहेगा, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है सॉफ्ट पावर का। आप सभी को ऐसा पता है कि बहुत बार चाइना पे ऐसा ब्लेम लगता है कि चाइना यहाँ पे अपने कंपनीज का यूज करता है इन्फ्लुएंस बढ़ाने में अपने देश का या फिर अपने पॉलिसी का। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रिटेन में एक लॉ फर्म है जिसकी जो मालकिन है, जो ओनर है, वो चाइनीज है, और ऐसा अभी जो MI उनकी एजेंसी है उन्होंने कंफर्म किया है कि बेसिकली सरकार के हिसाब से, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट के हिसाब से वर्क कर रही थी और ब्रिटेन में जो लॉ मेकिंग बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी चाइना के फेवर में। तो इस टाइप की चीज़ें होता है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट इस चीज़ को कर रही हैं कि जहाँ पे भी चाइनीज कंपनी इन्वॉल्व है उनके देश में, जहाँ पे लगता है कि वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रही हैं वहाँ पे किसी तरीके से उनको कट डाउन किया जाए। तो एज ए सिटीजन हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे देश की कंपनी अब ओन करेंगी एक ऐसे गेम को, मतलब एक ऐसे गेम को स्पॉन्सर्ड करेगी जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पावर है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को, तो वहाँ से वीवो हट जाएगा। हालांकि अभी के लिए जो वीवो है उसकी स्पॉन्सरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट था IPL के साथ वो बचा हुआ है, वो ख़त्म होगा आपका 2023 में। बट अभी क्या होगा, जो टाइटल स्पॉन्सर्ड है वो किसके पास चला गया है, टाटा के पास। क्वेश्चन नंबर फोर है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इसरो। मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया था ये क्वेश्चन। इसरो के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, इसरो को फाउंड कब किया गया था, तो वो है ईयर 1969, ठीक है। इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी 1963
टू में कमेटी का नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और विक्रम साराभाई को फाउंडिंग फादर कहा जाता है इसरो का। तो ये कुछ डिटेल थे। क्वेश्चन नंबर जो आपका फाइव है, वो विच कंट्री हैज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, तो आप सभी को पता है इसका आंसर बहुत सिंपल है, दैट इज जापान इन द ऑप्शन। जापान और सिंगापुर टॉप पे हैं, मतलब जो टोटल कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं दैट इज 199, और इसमें से 192 कंट्री में जापान और सिंगापुर के जो सिटीजन्स हैं वो बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब ऑन अराइवल वीजा उनको दिया जाता है, सीधे पासपोर्ट लें अपने देश का और निकलने घूमने। जैसे हमारे यहाँ पे लाइन लगाई जाती है ना कि US का वीज़ा मिल जाए, UK का वीज़ा मिल जाए, यूरोपियन कंट्री से मिल जाए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सीधा निकल सकते हैं। तो ये दिखाता है स्ट्रेंथ बेसिकली वहाँ के कंट्री का, नहीं वहाँ के लोगों का। कोई देश आपको क्यों बुलाना चाहेगा अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आप जाके वहाँ पे लड़ाई दंगा चोरी चमारी करोगे तो कौन बुलाएगा। जैसे कि पाकिस्तान से कोई जाता है तो लोग सोचते हैं कहीं मिलिटेंसी को तो कोई प्रमोट नहीं कर रहा है ना, कहीं ये मिलिटेंट तो नहीं आ रहा ना। तो अगर आपकी इमेज अच्छी है, आपके लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, तो लोग बुलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे आके वो वर्क करें। तो इसी तरीके से ये कंट्री के बेसिकली स्ट्रेंथ को जताता है। तो ये को इसको बस ये नहीं समझना है कि ये पासपोर्ट लेके घूमने वाली बात है, ये बताता है कि आपके कंट्री की इज्जत कितना है। तो इज्जत में सबसे ऊपर है जापान एंड सिंगापुर। इंडिया का प्लेस था इससे पहले 90th, बट इस बार थोड़ा सा हम ऊपर बढ़े हैं, इस बार हमारा 83 हो गया है बेसिकली। कुछ और डाटा आपको ध्यान रखना है बेसिकली से, हम कहते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 ना, तो ये ध्यान रखना। बाय द वे ऐसा ना पूछ ले, ये नाम से पूछ ले तो आप घूम जाओ कि यार ये कहाँ से आ गए, तो हमने देखा नहीं था। पाकिस्तान की भी रैंक आप जानना चाहोगे, 108 है, अभी समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बगल में अफगानिस्तान है जहाँ पे आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, और उसकी रैंक है 111, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान को सेम लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। विच रॉयल फैमिली मेंबर हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल हिज रॉयल प्रिटेंजेंस एंड मिलिट्री टाइटल्स, तो नाम है प्रिंस एंड्रयू। ये भाई साहब बूढ़े हो गए, आपको लग रहा होगा कि यंग है, मगर बूढ़े हैं। किया है कारनामा, कारनामा क्या किया है, इनके ऊपर लगा है सेक्स अब्यूज का। रिसेंटली आप लोगों ने USA के बिजनेसमैन का नाम सुना होगा, वो बेसिकली क्या करता था, जो कम एज की गर्ल्स हैं वो इंटरेस्टेड होता था बेसिकली कम एज के गर्ल्स में, उनको बुलाता था अपने फ्लैट पे, फिर बाद में क्या किया उसको एज ए बिजनेस ट्रीट करने लगा, गर्ल्स को बुलाता था, उनके साथ जो भी आप कह लो सेक्सुअल एब्यूज कह लो, रेप कह लो, या पैसे दे के वाट एवर दैट। फिर एक बार वो उसके जाल में ट्रैप होती थी, उनको पैसा का लालच देता था कि अगर अपने तुम दोस्त मित्र को किसी को भेजोगी तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, मतलब चार दूंगा। तो एक तरीके से वो इसको एक्सपेंड करने लगा और बाद में बड़े बड़े लोगों तक सप्लाई भी करने लगा। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में कहा था कि वो और मैं, हम दोनों में एक समानता है कि हम दोनों यंग लड़कियों के दीवाने हैं। तो ये भाई साहब भी कुछ उसी नेचर के थे, ये भी दीवाने थे, इनके ऊपर भी ब्लेम लगा। अब चूंकि इनके ऊपर केस चल रहा है USA में, तो इसीलिए ये उस केस को इन्फ्लुएंस ना करें, सारे टाइटल इनसे वापस ले लिए गए हैं। और हमारे देश में नेता का लड़का कुछ भी कर दे, नेता जो है अपने लड़के के पीछे खड़ा होता है, नहीं मेरा लड़का गिल्टी नहीं है। और एक ये कंट्री है जो रॉयल फैमिली से ही बाहर कर देती है। चलिए यहाँ पे इनके बारे में कुछ अच्छी खबरें छपी हैं, ये भी आप देख लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज अवार्डेड $370 million कॉन्ट्रैक्ट टू द इंडिया फॉर ब्रह्मोस मिसाइल, तो वो है फिलीपींस। मुझे लगता है ये न्यूज आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। ब्रह्मोस को कहा जाता है कि दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ना, और सबसे बुरी बात इसकी, मतलब दूसरे दुश्मन देशों के लिए बुरी बात है जो मिसाइल ये परचेज कर रहे हैं उसके लिए तो अच्छी बात है, और इंडिया के लिए भी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात इस मिसाइल का ये है कि इसको आप कहीं से लॉन्च कर सकते हो, सरफेस से, एयरक्राफ्ट से, नीचे पनडुब्बी से, मतलब कहीं से भी फायर कर दो बस। तो ये फिलीपींस को जा रहा है, और इसका आप कह सकते हो कि जियो पोलिटिकल एंगल्स भी हैं। चाइना इंडिया में ठनी पड़ी है, फिलीपींस और चाइना में भी थड़ी पनी है, वियतनाम भी इंटरेस्टेड है, तो लेट्स सी क्या क्या होता है। बट अभी के लिए आप कह सकते हो भारत की ये पहली डील है जिसमें हम डिफेंस डील कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री के साथ, तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी खबर भी है, गुड न्यूज़ भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इलेक्शन कमीशन हैज हाइक द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पोल एक्सपेंडिचर लिमिट, भाई गजब की बात है। अब देख पाओ, कहते हैं कि आम लोग हमारे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, वो बातें केवल कहने के लिए, कैसे लड़ेंगे।
जो लीगल एक्सपेंडिचर है वो है 95 लाख रुपीज फॉर द बिग स्टेट, अगर आप लोकसभा का टिकट ले रहे हो, मतलब आप सांसदी लड़ रहे हो तो। अगर आप स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपका एक्सपेंडिचर होता है 40 लाख रुपीज, जो कि पहले था 28 लाख रुपीज, और ये हम बात कर रहे हैं लीगल एक्सपेंडिचर की। और लीगल एक्सपेंडिचर के कम से कम मान के चलो तो 10 टाइम खर्चा करता है ये कैंडिडेट, कम से कम मान के चलो 10 टाइम तो करता ही करता है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इतने पैसा खर्चा होता है भाई, कहाँ से आम आदमी चुनाव लड़ेगा, बस कहने की बातें हैं। खैर, तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका डी, और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो भैया, लाइक करने से बुखार घटता है, बढ़ता नहीं।